नमस्कार सेशन प्लान में आपका स्वागत है। मैं जिसमें आपको टीचर बता चाहता है। हेलो सर जी। जी सर, हमें जानकारी चाहिए थी पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पैसे के बारे में। जी पल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी सर। पल्स इंडिया लिमिटेड जी। हेलो, आपने अप्लाई किया हुआ सर रिफंड के लिए पीएसएल में ऑनलाइन? जी हाँ, अप्लाई भी किया हुआ है। बॉन्ड भी ऑलरेडी पहले हमारे उसमें सबमिट हुए हैं। दो तीन प्रक्रिया में फंसे पड़े हम जी। सर 2013 में तो बॉन्ड जमा करे थे हमने ऑफिस में, जिसकी हमारे पास रिसीव रखी हुई है। अभी तक उसका कोई आपने प्रोसीजर चालू नहीं किया, और जो बॉन्ड घर पर रखे थे उनको हमने सबमिट कर दिया आपके pulseindia.com रिफंड इनको सभी रात को पहुँच चुके हैं। उनके बारे में पूछना है सर, पैसे कब मिलेंगे? जी समझ आएंगे सर, फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं मिली है। जैसे कुछ अपडेट आती है सभी की वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी। सर हमें अभी यूट्यूब पर चैनल वाले ने दिखाया आपकी सभी वेबसाइट को, इस पर देखो पैसे देने की प्रक्रिया चालू हो गई, कुछ ऐसा मार्किंग करके दिखाए पता करते हैं। हेलो, अभी तो फिलहाल सर कोई अपडेट नहीं मिली है। जैसे कुछ अपडेट आती है इस बारे में सभी की वेबसाइट पर जानकारी दीजिए। नहीं सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने इतनी लेट लतीफी क्यों बना रखी है? 2 महीने हो गए बॉन्ड लिए आपको। कार्य हमारे ओर से नहीं चल रहा है, लोधा कमेटी द्वारा चल रहा है सर। नहीं, लोधा कमेटी ने तो आपके आपके अकाउंट में पैसा डाला होगा, नहीं तो आपने भी तो कोई प्रोसीजर चालू करने की कोई सोची होगी किस तरीके से देना है पैसा निवेशकों को। कुछ तो अपडेट दो हमें जी। हमें पता चला है कि लोहड़ा कमेटी ने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया है। आपको ये कहाँ से पता चला है? सर ये हमें एक यूट्यूब चैनल ने बताया था, विश्वसनीय चैनल है, वो बता रहा था। जी सेबी की कोई जानकारी यूट्यूब चैनल पे नहीं दी जाती है। ओके, सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दी जाती है। नहीं सर, तो मैं जानना चाह रहा हूँ जिन निवेशकों को बॉन्ड 2013-14 में जमा है उनके लिए क्या प्रोसीजर है? चले तो हमने मान लिया पैसे नहीं दे रहा है लोहड़ा कमेटी। जी समझ आएंगे, फिलहाल इस बारे में तो कोई अपडेट नहीं है सर। कमेटी द्वारा कार्य चल रहा है, वेट कर लीजिए। नहीं सर, आपके पास अगर कोई जानकारी हो किसी तरह की तो आप हमें प्राइवेट कराएं। हमारे निवेशक परेशान है, मैं एक एजेंट हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा जो साथी है वो परेशान है। हेलो जी, अभी तो सर फिलहाल कोई अपडेट नहीं मिली है सर। जैसे कुछ अपडेट आती है इस बारे में सभी की वेबसाइट पर जानकारी मिलेगी सर। जी सर कब आएगी? आपसे रेगुलर टच में मुझे पूरे 1 साल हो चुका है, और 2 महीने का जो आपने बॉन्ड सबमिट कराया है ये भी 2 महीने हो चुका है, लेकिन आपकी तरफ से कोई अपडेट हमें क्यों नहीं आ रही है? ऐसा क्यों आपने मतलब इतना हम लोगों को घुमरा कर रखा है? हेलो, वेट करने, जैसे अपडेट आएगी बताई जाएगी जानकारी। सर इस बात को तो दोहराते दोहराते आपको काफी टाइम हो गया, कोई तो आप आश्वासन दो हमें, हम भी तो निवेशकों को कुछ अपनी तरफ से जवाब देंगे। आप उन्हें हमारा नंबर दे दीजिए, जानकारी हम प्रोवाइड कर देंगे सर ने। ओके, उन लोगों से आपका नंबर लग नहीं पाता, हम तो थोड़ी सी ट्रिक आजमा के लगा लेते हैं आपका नंबर, लेकिन उन लोगों को नंबर देते हो कहता हमारा नंबर ही हमसे लगता ही नहीं। जी तो लगाइए सर, आप उनके सामने उन्हें एग्जांपल दे सकते हैं सर, कांटेक्ट करा के कैसे लगाना है जी। क्या क्या सर्टिफाइड करेंगे आप उनको? मैं भी उसी तरीके से सर्टिफाइड कर दूँ, आप मुझे बताइए। जी हमने आपको जो बताया सर, वेट कर लीजिए उसके लिए अभी कोई। नहीं सर, कोई निर्धारित समय कुछ टाइम कब तक वेट करेंगे? जी अभी तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं मिली है सर। चलो ठीक है, भाई नहीं मिली तो भाई कोई बात नहीं, मजबूरी है जी। इसके अलावा और कोई जानकारी? सर बस और क्या जानकारी, हमें तो कुछ जानकारी आपसे हमें प्रोवाइड होती नहीं है, बस जब भी हम फोन लगाते हैं और बहुत आशाएं रहती हैं आपसे, बहुत उम्मीदों के साथ आपसे फोन लगाकर बात करते हैं कि शायद आज हमारा कोई सलूशन निकल जाए। सर हम आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हमारे पास जितनी जानकारी वो आपको दी जा रही है सर। सर हमें ये आप अपनी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? लोहड़ा कमेटी तो बिल्कुल मतलब कोई अपना हेल्प नंबर भी नहीं दे रखा, लोहड़ा कमेटी तो एकदम अंडरग्राउंड बनी पड़ी है। आप लोग तो फिर भी हेल्पलाइन से हमें सुविधा दे रहे हैं, लोहड़ा कमेटी का मैटर ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहा है। जी जैसे कुछ अपडेट आएगी आपको जानकारी दी जाएगी। सर इस लोहड़ा का कोई नंबर हो तो आप हमें दीजिए, लोहड़ा कमेटी से हमें बात करनी है, हम लोहड़ा कमेटी से ही बात करेंगे। हेलो जी, हाँ नंबर नोट डाउन कर लीजिए जी, बताइए ना। 0222 जी। 0222 हाँ जी। 6121 जी। 6966 ठीक है, धन्यवाद जी। इसके अलावा और कोई जानकारी? बस सर कभी
नेक्स्ट टाइम में देंगे कोई जानकारी अगर लाइन तो मेरी आपकी कॉल आई टी आर के लिए ट्रांसफर की जा रही है। अरे कहीं नहीं, जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो एक दफा ही अन्यता दो, क्योंकि हेल्प लाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। If you find the information provided by our representative